सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू शिक्षा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कान के बढ़े हुए होल को बिना सर्जरी के परमानेंट तरीके से कैसे उसको जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारा कान का होल बढ़ जाता है ना, तो कान नीचे से कटने लगता है, हम कोई भी एयररिंग्स नहीं पहन पाते हैं, जिसे चलते हमें सर्जरी करवाना पड़ता है। लेकिन ये टिप्स जो है आप फॉलो करते हैं ना, तो बिना सर्जरी के आपका कान का जो बढ़ा हुआ होल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और परमानेंट तरीके से आपका जो कान का होल बढ़ गया है वो चिपक जाएगा। तो टिप्स को पूरा देखिए, जानकारी पूरी लीजिए और इसको आप यूज़ में ज़रूर लाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कान का बढ़ा हुआ होल। तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या ले लेना है, फिट करिए। ये देखो, एलम बोलते हैं इसको, ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी किराने की स्टोर पर मिल जाएंगे। आप बोलेंगे तो फिटकरी आपको ले लेना है। इसको आपको पीस कर बारीक पाउडर बना लेना है। इस तरीके से देखो, मैंने इसको अच्छे से पीस कर इसका पाउडर बना लिए हैं। आपको इसी तरीके से पाउडर बनाना है, दरदरा नहीं रखना है। फिटकरी के पाउडर के बाद हमें ले लेना है टूथपेस्ट। ये देखो, आपको क्लोजअप वगैरह का टूथपेस्ट नहीं लेना है। इस तरीके से आप कोलगेट का लीजिएगा, चाहे वाइट हो या ब्लू हो, हम इसमें कोलगेट ऐड कर देंगे। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे सरसों का ऑयल। ज़्यादा बेटर होगा कि आप सरसों का ऑयल ही ऐड करें, या तो आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप उसको भी मिक्स कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर है सरसों का ऑयल आप इसमें ऐड करें। उसको ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ये हमारा मिक्सर बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हमें इसको कान पर कैसे अप्लाई करना है, चलिए वो हम आगे वीडियो में बताते हैं। तो इस तरीके से कान का जो छेद है वहाँ पर, इस तरीके से जो मिक्सर हम बनाए हैं उसको ले लेना है और इसी होल के ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। ऐसे प्रोसेस हम पीछे भी कर लेंगे। पीछे जो कान का होल दिया है उसमें इस तरीके से इसको चिपका देना है। ऐसा नहीं है कि मिक्सचर कहीं पर भी टिपकेगा, आप इसको ठीक बनाइए और इसी तरीके से कान में चिपकाकर छोड़ दीजिए। इसको आप ऐसे लगा कर रखेंगे तो 5 मिनट में सूख जाएगा। उसके बाद आप अपना घर का सारा काम कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। जब आप इसको वॉश करेंगे पानी से तभी ये निकलेगा। तो इस तरीके से ये चिपका रहेगा। ये प्रोसेस अगर आप लगातार 15 दिन करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे आपका कान का जो होल है बिल्कुल ही कम होते जाएगा, धीरे धीरे पूरा बंद हो जाएगा। आपको जितना बंद करना है इसको आप बंद कर दीजिए, उसके बाद आप इस प्रोसेस को करना छोड़ दीजिएगा। आपका कान का होल बिना सर्जरी के धीरे धीरे कम होने लगेगा। टिप्स बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, फॉलो ज़रूर कीजिए। ये प्रोसेस आप ज़्यादातर रात में कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मिक्सर आपके कान में जितनी ज़्यादा देर तक रहेगा उतने जल्दी आपका कान का जो होल है वो जल्दी से भरेगा। तो आप रात को इसको लगा लीजिए और इसके ऊपर आप टेप लगाकर सो जाइए ताकि ये गिरे। वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के नए नए वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।